नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एस्ट्रो तक एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बृहस्पति बहुत ही बड़ा ग्रह है, हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति यदि अच्छा हो तो बहुत कुछ देता है, अर्थात धन देता है, बुद्धि देता है, विद्या देता है, व्यापार देता है। लड़कियों की शादी का कारक भी बृहस्पति ही होता है। हमें अच्छी पढ़ाई भी बृहस्पति देता है और हमें ज्ञान भी बृहस्पति देता है। लेकिन यदि बृहस्पति खराब हो तो बहुत सारी बीमारियां भी देता है, जैसे कि शुगर की समस्या, किडनीज में परेशानी या फिर पथरी की समस्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे रोग जैसे चेस्ट में कंजेशन, नज़ला जुकाम, इस तरह की चीज़ें भी बृहस्पति देता है। तो जन्म पत्री में बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ दिक्कत क्रिएट करता है, लेकिन जहाँ देखता है अर्थात बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर लाभ ही लाभ होता है। तो हमें अपनी जन्मपत्री में बृहस्पति को अच्छा बनाना है और उसके लिए आज जानेंगे बहुत कुछ खास उपाय। इन उपायों को यदि हम कर लेंगे तो बृहस्पति देव आपसे प्रसन्न जरूर हो जाएंगे। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंत्र है आपके लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है और चंदन का तिलक आपने माथे पर लगाना है। ऐसा करके विशेष लाभ होगा, बृहस्पति देव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और अब बात करेंगे वृष राशि। घर के ईशान कोण में आप बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित करें और चलते पानी में बादाम बहा दें। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपको लाभ होगा, आपके कार्य बनेंगे। हल्दी का दान जरूर कीजिए, इससे बृहस्पति देव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और अब बात करेंगे मिथुन राशि। यदि मिथुन राशि आपकी, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बृहस्पति को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो इसलिए बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। सोने की अंगूठी आप तर्जनी उंगली में धारण करें। पीले मीठे चावल बनाकर आप खा सकते हैं, ऐसा करने से भी लाभ होगा, बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। पीले रंग के चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें। ओम ग्राम ग्रीम रूप से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। चने की दाल का दान जरूर करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा, आपके बृहस्पति अच्छे होंगे और आपके कार्य बनेंगे। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें। यदि व्रत नहीं रख सकें तो कम से कम बृहस्पति जी की कथा जरूर पढ़ें या फिर सुनें, ऐसा करने से भी लाभ होगा। एक खास मंत्र है आपके लिए, ओम अंगीर साये विद्महे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। अपनी जेब में बादाम जरूर रखें। स्नान के बाद बृहस्पतिवार पीले वस्त्र धारण करें, ऐसा करके लाभ होगा। पीपल के वृक्ष पर दीपक जरूर जलाएं, ऐसा करने से भी आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और अब बात करेंगे तुला राशि की। यदि तुला राशि आपकी, तो व्यापारिक स्थल पर बृहस्पति जी की पूजा के बाद ही अपना कार्य शुरू करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। बृहस्पति देव का ये बीज मंत्र है, इस मंत्र के जाप से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और पीले वस्त्र धारण करें। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। यदि वृश्चिक राशि आपकी, तो सब परिवार मिलकर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः, इस खास मंत्र का जाप करें। श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र के जाप से आपको बहुत ही जल्दी लाभ होगा, आप बहुत जल्दी अपने कार्यों को कर सकेंगे। चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाया कीजिए। और अब बात करेंगे धनु राशि की। यदि धनु राशि आपकी, तो बेसन के लड्डू किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं आप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें और पुखराज रत्न भी धारण करें। बात करते हैं मकर राशि की। किसी छोटी कन्या को पीले वस्त्र आप दान करें। पीपल के वृक्ष पर आप दीपक जरूर जलाएं और किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, ऐसा करने से भी लाभ होगा, बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे।
बात करेंगे कुंभ राशि की। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें, आपके जो भी गुरु हैं वे प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ बृहस्पति देव आपकी जन्म पत्री में खुश रहेंगे। और अब बात करेंगे मीन राशि की। तो पीले चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, सोने की या तांबे की अंगूठी आप धारण जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।